तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका एक नया टॉपिक है जो कि है प्रोजेक्शन। ठीक, वही प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन? मैं उस प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं जैसे हमारा क्या होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, मींस लंब कोणीय प्रक्षेप। लंब कोणीय प्रक्षेप, लंब कोणी का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम कोई भी हमारा डायग्राम होता है, कोई भी आइकॉन होता है, ठीक, या किसी मशीन का पार्ट होता है, उसके हम लोग क्या करते हैं वहां से परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर वहां से प्रोजेक्शन डालते हैं और उन्हीं प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट हम लोग डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी कॉलेज में डिस्कस किया हुआ था कि जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो किन किन कोऑर्डिनेट्स में बनाएंगे, सिर्फ ओनली टू कोऑर्डिनेट में डायग्राम अपना बनाएंगे। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, एक हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट को हम लोग क्या बोल, मीन्स प्रथम कोणीय प्रक्षेप। ठीक, थर्ड को, जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम। ठीक, तो क्वेश्चन में हमारा क्लियरली वो मेंशन कर देगा कि हमें जो डायग्राम बनाना है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। तो आप लोग अपने माइंड से बिल्कुल भी ये निकाल दीजिए कि सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें फर्स्ट में बनाना है डायग्राम कि थर्ड में बनाना है। तो क्वेश्चन में वो खुद डिसाइड कर देगा, ऑटोमेटिक हमें बता देगा कि जो भी हमारा डायग्राम बना हुआ है इसके हमें जो व्यू बनाने हैं, मीन्स दृश्य बनाने हैं, कौन कौन से दृश्य बनाने हैं। तो देखो, एक तो हमारा बनता है टॉप व्यू। ठीक, टॉप व्यू जिसको हम लोग प्लान भी बोलते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, ऊपरी दृश्य। मतलब जैसे मान लो, सपोज दैट हम किसी भी डायग्राम को या किसी बिल्डिंग को या किसी स्ट्रक्चर को या कोई हमारा कंपाउंड है, ठीक, या किसी मशीन का कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट को यदि हम टॉप से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने पे हमें जो चीज दिखेगा, ठीक, वो हमारा कौन सा व्यू होगा, वो होगा हमारा टॉप व्यू, और टॉप व्यू को ही हम लोग प्लान बोलते हैं। ओके, इसके बाद मान लो उसी कंपोनेंट्स को हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, उसी कंपोनेंट को हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, तो फ्रंट से देखने पे हमारा क्या होगा, वो जो व्यू बनेगा उस व्यू को हम लोग फ्रंट व्यू या एलिवेशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट एक हमारा थर्ड व्यू और होता है, जो थर्ड व्यू होता है वो कौन सा होता है, हमारा साइड व्यू। ठीक, तो हमें प्रत्येक डायग्राम के तीनों व्यू बनाने होते हैं। बट यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आता है, बेटा अजय कुमार माइक ऑफ कर लो। ठीक, यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या होता है कि सर किस एंगल प्रोजेक्शन में होगा, तो किस एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में डायग्राम आ रहा है, तो हम लोग किसमें कौन, किसमें प्लान ऊपर बनाएंगे, किसमें एलिवेशन ऊपर बनाएंगे। यदि डायग्राम हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्या बनाएंगे, तो देखना यहाँ पे। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, कि हमेशा एचपी में प्लान बनता है। मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, कि एचपी में हमारा प्लान बनेगा। ठीक, एचपी में प्लान बनेगा। ठीक, वीपी में क्या बनता है, एलिवेशन बनता है। ठीक, एचपी में हमारा प्लान बनता है और वीपी में हमारा एलिवेशन बनता है। बट यहीं पे जो इनके अदर नेम है, वो अदर नेम भी मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ। प्लान को हम लोग टॉप व्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। ठीक, इसी प्रकार से जो हमारा एलिवेशन होता है, तो एलिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। ठीक, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा टॉप व्यू है, कौन सा हमारा फ्रंट व्यू है, और एचपी क्या है, वीपी क्या है। तो सबसे पहले ये देख लो आप लोग कि एचपी हम लोग किसको बोलते हैं, वीपी हम लोग किसको बोलते हैं। मान लो सपोज दैट ये हमारा कोई क्या है, मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ आपको, जैसा कि आप लोगों ने मैथ में पढ़े हुए थे। इस कोऑर्डिनेट का नाम, इस कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। ठीक, इसको सेकेंड, एंड इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। ओके, ऐसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए थे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ था कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा डायग्राम बनेगा वो किसमें बनेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। इसी प्रकार से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग डायग्राम बनाएंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग जो जिन दो एंगलों को सिलेक्ट करते हैं वो एंगल हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड एक होता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हम सिर्फ दो ही एंगल को सिलेक्ट करते हैं, ऐसा क्यों ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। हम लोग सेकेंड और फोर्थ को नहीं सिलेक्ट करते, ठीक। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था कि मान लीजिए बाय चांस ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो हमारा होगा वीपी अपॉन एचपी के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या लेंगे, वीपी अपॉन एचपी के फॉर्म में डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी अपॉन वीपी के फॉर्म में डायग्राम बनाएंगे, ठीक। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के। ठीक, मतलब दोनों है सेम, बट दोनों में क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, कि फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा वीपी अपॉन एचपी, ओके, वहीं पे थर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एचपी अपॉन वीपी, ठीक। तो यहाँ पे देखा कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक वीपी अपॉन एचपी है, एक हमारा एचपी अपॉन वीपी है। अब यहाँ पे देख लो वीपी मींस, ये वीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वीपी का हमारा जो यहाँ पे फुल फॉर्म होता है ये होता है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। और जो यहाँ पे एचपी का फुल फॉर्म होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सर कौन सा प्लेन हमारा वर्टिकल प्लेन है और कौन सा प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो देखो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट्स बनाए, ठीक। कोऑर्डिनेट्स पे हम लोग इस वाली लाइन को यहाँ पे एक्स बनाते थे, इसको वाई मानते थे। तो हमारा जो ये इस लाइन से मिलके जो ये प्लेन बनेगा, इस लाइन से मिलके जो ये प्लेन बनेगा, ठीक, यदि मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो यहां पे दिखेगा कि जो ये वाला प्लेन है, ठीक, ये प्लेन कौन सा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसी प्रकार से यदि हम लोग वर्टिकल प्लेन की बात करें तो ये देखो ये हमारा जो प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हमारा कौन सा हो गया, ये प्लेन हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारा वर्टिकल के साथ बना हुआ है, देख रहे हो ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन के साथ या वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में जो हमारा प्लेन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं। तो इसे हम लोग वीपी लिख देंगे, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में या हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से हम लोग जो प्लेन बनाते हैं, जो तल बनाते हैं, समतल बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एचपी बोलते हैं। तो ये हमारा एचपी हो गया, ठीक। वहीं पे मैंने आपको बताया क्या कि एचपी में हमारा हमेशा एचपी में प्लान बनेगा, ठीक। ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी है कि एचपी में हमेशा मैक्सिमम केस में हमेशा बोल रहा हूं, ठीक है। और वीपी में हमारा क्या होगा, एलिवेशन बनता है, एलिवेशन बोलता है। प्लान को हम लोग टॉप भी बोलते हैं और एलिवेशन को हम लोग फ्रंट बोलते हैं। टॉप और फ्रंट हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, उसमें कोई कंपोनेंट दिखेगा, ठीक, कोई कंपाउंड दिखेगा, उसको हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से आता है, हम लोग कैसे पहचानते हैं कि सर कौन सा प्लान होगा, कौन सा हमारा एलिवेशन होगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पे देख लो कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट में कोई डायग्राम हमारा, हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है, तो फर्स्ट का मतलब क्या होगा, वीपी अपॉन एचपी, ठीक। जब ये वीपी अपॉन एचपी के फॉर्म में है तो इसमें कौन सा डायग्राम ऊपर बनाएंगे, कौन सा डायग्राम नीचे बनाएंगे, वो चीज यहाँ पे देख लो। तो वीपी में मैंने आपको बताया कि वीपी में हमारा क्या बनेगा, वीपी में हमारा एलिवेशन बनेगा। इसके मतलब क्या हुआ, इसमें ऊपर एलिवेशन बन जाएगा,
इसमें ऊपर एलिवेशन बन जाएगा, उसके जस्ट नीचे एसपी हमारा क्या बनता है, प्लान बनता है, इसके जस्ट नीचे प्लान बन जाएगा, ठीक। इसके इस साइड हमारा क्या बन जाएगा, साइड व्यू बन जाएगा। ये साइड व्यू को हम चाहे तो इधर भी बना सकते हैं, ठीक, जैसे हमारे उसमें डायग्राम में इंडिकेशन या एरो लगा होगा उसके अकॉर्डिंग हम साइड व्यू को क्या कर सकते हैं, यहां से चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बाय चांस यदि वहीं पे हमारा फर्स्ट एंगल की जगह क्या आ जाए, थर्ड एंगल आ जाए, तो थर्ड एंगल में मैंने आपको क्या बताया, इसमें एचपी अपॉन वीपी होता है। क्या होता है हमारा, एचपी अपॉन वीपी। और एचपी में ऊपर क्या बनता है, सबसे पहले एचपी में हमारा, एचपी में प्लान बनेगा, ठीक, प्लान के जस्ट नीचे हमारा एलिवेशन बन जाएगा, ठीक। और एलिवेशन के पास यहां पे ध्यान देना, जैसे जो हमारा प्लान वाला पार्ट है, ठीक, तो अब उस पास हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसमें अब इसके साइड में हमारा यहाँ पे साइड व्यू बन जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल ओपन कर रहा हूँ, पीडीएफ फाइल में आप लोग देखेंगे उससे हमारे ये सब पॉइंट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए आप लोगों के सामने एक डायग्राम शो हो रहा होगा, ठीक, ये डायग्राम दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। सेम इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम बन के आएगा, जो डायग्राम बन के आएगा वो किसमें आएगा, 3D में बन के आएगा। जो डायग्राम आपको बन के आएगा क्वेश्चन में वो हमेशा 3 डायमेंशन में डायग्राम आपको मिलेगा। ओके, जो 3 डायमेंशन में आपको डायग्राम मिलेगा उसमें आपको 3 डायमेंशन उसमें शो हो रही होंगी। मींस जैसे देखो यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशन भी शो हो रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में कुछ इंडिकेशन शो हो रहा है, कौन कौन से, इधर पे देखो एस लगा हुआ है, इधर एफ है, इधर क्या है, टी है, एस एफ टी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एस मीन्स होगा हमारा साइड व्यू, ठीक, एस मीन्स हमारा क्या हो गया, साइड हो गया। वहीं पे एफ, एफ इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा क्या है, फ्रंट है, एफ इंडिकेट कर रहा है कि हमारा क्या है, फ्रंट है। वहीं पे ऊपर से हमारा क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी इंडिकेट कर रहा है कि हमारा क्या है, ये टॉप है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि डायग्राम में आपको सेम ऐसे एरो लगा देगा वो, और एरो लगाने के बाद वहां पे इंडिकेट कर देगा कि एस है, ये एफ है या टी है। ये बाई चांस एस एफ टी ना लिख के हो सकता है कि इसे ए कर दे, इसे बी कर दे और इसे सी कर दे, तो यहाँ पे आपको बताएगा, क्वेश्चन में बता देगा कि ए बराबर हमारा क्या होगा, बी बराबर हमारा क्या होगा या सी बराबर हमारा क्या होगा। जैसे यदि मैं इनको यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिए हुए हैं, तो जब नेम मैंने चेंज किया हुआ है तो मैं टॉप व्यू को ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए हमारा टॉप व्यू हो जाएगा, बी हमारा साइड व्यू हो जाएगा और सी हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। ओके, सेम इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा
वो 15 to 20 मार्क्स का आएगा। ओके 15 to 20 मार्क्स का आप पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक। उसमें हमें क्या करना होगा, इस डायग्राम को देख के इनके तीनों व्यू बनाने हैं। कौन कौन से तीनों व्यू? तो एक तो हमें साइड व्यू बनाना है, दूसरा हमें फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक, तीसरा हमें टॉप व्यू बनाना है। ओके हम ये तीनों व्यू बनाने हैं। हमें ये 3D वाला जो डायग्राम आया है इसको नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, हमें इसके तीनों व्यू बनाने हैं, ठीक। तो जब हमें तीनों व्यू बनाने हैं, तो अब एक चीज आप लोग देखना यहाँ पे, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे मैं आप एक एक चीज आपको विजुअल करवा रहा हूं, आप लोग खुद इमेजिन करना है, आप लोगों को इमेजिन करना है। कैसे इमेजिन करना है कि ये बताइए, जहां से हमारा एफ है, मैं एफ से मैंने यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर दिया, एरो लगा दिया, ठीक। ये एफ का मीन्स क्या है, हमारा फ्रंट व्यू है। यदि हम लोग इस डायग्राम को इस डायरेक्शन से देखें, जहां से मैं बार बार एरो लगा रहा हूं, इस डायरेक्शन से यदि इस डायग्राम को देखें, तो हमें क्या क्या चीज दिखेगी? यदि इस डायरेक्शन से मैं इस डायग्राम को देखूं, तो हमें क्या क्या चीज दिखेगी बताइए। ठीक, तो एक तो देखना, यदि हम इस, जहां से हमारा एफ लगा हुआ है, एफ के साइड से यदि हम इसे देखते हैं, तो देखने पे हमें क्या दिखेगा? ठीक, ये हमारा डायग्राम है। हमें डायग्राम को इस डायरेक्शन से देखना है। जब डायग्राम को इस डायरेक्शन से देखना है, तो सबसे पहले तो हमें इसका ये वाला पार्ट दिखेगा, देखेगा, ठीक। यदि हम लोग इसको, जहां से मैं एरो लगा रहा हूं, एरो की साइड से देखेंगे, ठीक, तो हमें क्या दिखेगा, जिसको मैंने हैच किया हुआ है अभी, जिसमें हैचिंग की हुई है, मुझे वो वाला पार्ट दिखेगा, और मैं उसको कुछ मार्क कर देता हूं, इसको मैंने कर दिया 1 नंबर, ठीक। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूं इनकी, ठीक, इसको मैंने मार्क कर दिया कि हमें सबसे पहले क्या दिखेगा, 1 नंबर वाला पार्ट दिखेगा। ओके इसके बाद और आगे चलो, जब हम और आगे चलेंगे, तो हमें क्या पार्ट दिखेगा, देखना वहीं पे, जब हम, हमें इसी डायरेक्शन से देखना है, हमारी जो डायरेक्शन ये है, हमें इसी डायरेक्शन से डायग्राम को देखना है, तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, देखो, ठीक, जिसको मैंने अभी हैचिंग किया, हमारा ये वाला पार्ट भी दिखेगा। तो इसको हम लोग अलग से मार्किंग कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 2, ठीक, इसको कर देते हैं 2। अब बताइए कि अब हमें और क्या दिखेगा, अब हमें और क्या दिखेगा? तो यदि हम लोग इसको इसी डायरेक्शन से ही देख रहे हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहीं से ही देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये वाली साइड भी दिख जाएगी। देखिए कि कहां तक, सिर्फ इधर तक, सिर्फ इधर तक ये वाला पार्ट भी दिख जाएगा, ठीक। हमें देखो, ये जो डायग्राम होते हैं, ठीक, ये इस प्रकार के क्वेश्चन इमेजिन करके बनाए जाते हैं। यदि हम इसको सामने से देखें, आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि हम इसे सामने से देखते हैं, तो सबसे पहले 1 नंबर का पार्ट हमारा दिख रहा है, 1 नंबर के बाद जो मैंने 2 नंबर मार्क किया हुआ है, तो 2 नंबर वाला पार्ट दिख रहा है। इसके बाद अब इसको हम लोग अलग से मार्किंग कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3 नंबर, ठीक, मेरा ये 3 नंबर वाला पार्ट भी दिखेगा। और क्या बचा? तो सर, अभी जो पीछे वाला पार्ट है इसका, ठीक, ये वाला पार्ट भी हमें दिखेगा, दिखेगा, क्योंकि वो अपोजिट साइड है। देखो, हमें, हम लोग जब भी कोई भी डायग्राम होता है, तो हमें सिर्फ 3 ही डायमेंशन दिख पाती हैं, फोर्थ डायमेंशन नहीं दिखती हैं, ठीक। तो तुम सोचो कि पूरा डायग्राम हम इसे घुमा के नहीं देख सकते हैं, बट जितने पार्ट को मैंने हैचिंग किया हुआ है, हमारा ये पार्ट इसमें दिखेगा। आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि जब आप लोग इस डायग्राम को एफ वाली साइड से देखेंगे, मतलब फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा, तो यहाँ पे लिख लो कि फ्रंट व्यू हमें क्या क्या दिख रहा है। इसको भी चलो मार्किंग कर दो पहले, इसको जब आपने मार्किंग किया, तो इसको कर देते हैं 4, ठीक। जब आपने इसको सामने से देखा, तो फ्रंट व्यू से देखने के बाद आपको क्या दिखा, सबसे पहले हमें 1 नंबर का पार्ट दिखा था, 1 नंबर के बाद हमें 2 नंबर का पार्ट दिखा था, 2 नंबर के बाद 3 नंबर का पार्ट दिखा, एंड इसके बाद 4 नंबर का पार्ट दिखा।
खुद इमेजिन कीजिए कि हमें कौन कौन से पार्ट दिखे। जब हम लोग इस डायग्राम को इधर से देख रहे थे, फ्रंट व्यू से देखने के बाद हमें क्या दिख रहा था, वन नंबर का पार्ट दिखा, वन के बाद टू का दिखा, टू के बाद थ्री वाला दिखा, थ्री के बाद फोर वाला दिखा। हमें ये सिर्फ चार पार्ट दिखे, हमें सिर्फ चार पार्ट दिखे। ओके, अब इसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको इरेज कर रहा हूं, ठीक, इन सबको इरेज कर रहा हूं। ओके, आगे देखना, आगे देखना, यदि इसी को हम लोग टॉप से देखें, यदि हम लोग इसी को टॉप से देखें, मतलब इस डायरेक्शन से, हम लोग इसी को टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से देखने पे हमें क्या दिखेगा बताइए। सबसे पहले तो हमें ये वाला पार्ट दिख जाएगा, यदि हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिख जाएगा। इसको मार्क कर लेते हैं ए नंबर, वन नंबर, ठीक। इसके बाद हमें क्या दिखेगा, अभी हम टॉप से ही देख रहे हैं, तो टॉप से देखने पे और हमें क्या दिख जाएगा, तो और देखना, यहाँ पे जब हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, हमें इस कंपोनेंट को, जो हमारा ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखने पे हमें क्या दिखेगा, पहले तो वन नंबर वाला पार्ट दिखा, इसके बाद ये टू नंबर वाला पार्ट दिख गया, दिखा, ठीक। सेम अब क्या दिखेगा, हम ऊपर से ही देख रहे हैं, जब ऊपर से ही देख रहे हैं तो हमें ये वाला पार्ट भी दिखेगा। ध्यान दीजिए, गैस कीजिए आप लोग, आप ये वाला पार्ट सेम इसी प्रकार से उसके अपोजिट साइड ये वाला पार्ट भी आपको दिख जाएगा, ठीक। इसको मार्क कर दीजिए थ्री और इसको कर दीजिए फोर। सिर्फ सबसे पहले आपको पहचानना है कि यदि हम टॉप व्यू से देखेंगे या फ्रंट व्यू से देखेंगे या साइड व्यू से देखेंगे तो हमें क्या क्या चीज दिख रही है। यदि आपको देखना आ गया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। तो ये बताइए, जब हम लोग इसे टॉप व्यू से देख रहे थे, हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो इधर से देखने पे हमें क्या क्या दिख रहा है। चलो मैं दोबारा से इरेज करके इसे समझा दे रहा हूं। जब हम लोग इसे ऊपर से देखेंगे, यानी इस डायमेंशन से देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है, ऊपर से देखने पे हमें क्या दिखा, पहले तो मेरा ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, ये पार्ट दिख गया। इसके बाद क्या दिखेगा, इसके बाद ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, ये वाला पार्ट दिख गया। इसके बाद क्या दिखेगा सर, इसके बाद हमें ये वाला पार्ट भी दिख जाएगा। जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे हमें ये वाले पार्ट्स भी दिख जाएंगे, ठीक। तो इनको हमें अलग अलग मार्किंग कर लेनी, इसे वन नंबर कर लो, इसे टू नंबर कर लो, ठीक, इसे थ्री कर लो और इसे फोर कर लो, ऐसे हमें अलग अलग मार्किंग कर देनी है उसमें। मैं मार्किंग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को डायग्राम पहचानने में आसानी होगी। डायग्राम में आपको ये पहचानने में आसानी होगी कि सर हम लोग जब टॉप से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा और साइड से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा। वहीं पे जरा इस पे अब हम लोग साइड पे भी एक नजर डाल लेते हैं। जब हम इसी डायग्राम को साइड व्यू से देखेंगे, मीन्स इस डायरेक्शन से देखेंगे, ठीक, ये हमारा क्या है, साइड व्यू है, तो साइड व्यू से देखने पे हमें क्या दिखेगा, तो देखो यहां से साइड व्यू से देखने पे हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, दिखेगा, ठीक। साइड व्यू से देखने पे हमें ये वाला पार्ट दिख जाएगा। देन जो ये वाला पार्ट बचा हुआ, ये वाला पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी हमें दिख जाएगा, ठीक। तो इनको मार्किंग कर लो, इसको फाइव कर लो, ठीक, और इसको सिक्स कर लो। तो देखो यहाँ पे कि जब हमने इसे क्या किया, टॉप से देखा था तो हमें वन दिख रहा है, टू दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, फोर दिख रहा है। जब हमने इसे साइड से देखा तो हमें फाइव दिख रहा है और सिक्स दिख रहा है। साइड से देखने पे हमें फाइव और सिक्स दिख रहा है। वहीं पे जब हमने इसी डायग्राम को फ्रंट से देखा था, फ्रंट से देखा था तो हमें क्या दिखा था, एक तो ये वाला पार्ट देखा था, ठीक, दूसरा ये वाला पार्ट भी दिख गया था। मतलब ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, ये वाला पार्ट हमारा टॉप पे भी आ रहा है, फ्रंट पे भी आ रहा है, प्लस इसके साथ हमें ये वाला पार्ट भी दिख गया था।
अब मैंने यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मार्किंग कर दी है, हैचिंग कर दी है, ठीक। इनकी अलग अलग मार्किंग कर दो, इसको कर दो 7 नंबर, ठीक। इसकी कर दो, चलो ये ऑलरेडी हमारा 2 नंबर हो चुका है, ठीक। और जो ये वाला पार्ट है इसको कर दो 8 नंबर, और इसका ये वाला पार्ट कर दो 9 नंबर। इस डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमें कहां से देखने पे क्या दिखेगा, ठीक। मैंने यहाँ पे अलग अलग हैचिंग कर दी है। अब देखो मैंने यहाँ पे जितने पार्ट से उन सब पार्ट पे अलग अलग कलर से अलग अलग यहाँ पे हैचिंग की है। अब हैचिंग करने के बाद दोबारा से फिर यहाँ पे लिख के समझा दूं कि कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पे आएगा। ये डायग्राम आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे टॉप पे हमें क्या क्या चीज दिख रहा था। जब हम लोगों ने इसको टॉप से देखा था तो हमें क्या देखा था, टॉप से देखने पर सबसे पहले हमें 1 नंबर दिखा है। 1 के बाद क्या दिखा है सर, हमें 2 नंबर दिखा है। 2 के बाद क्या दिखा है सर, हमें 3 नंबर दिखा है। 3 के बाद हमें क्या दिखा है, हमें 4 नंबर दिखा है। इस डायग्राम को जब हम टॉप से देख रहे थे तो हमें कौन कौन से पार्ट दिखे, एक 1 नंबर वाला पार्ट दिखा है, 2 नंबर वाला दिखा है, 3 नंबर वाला दिखा है, 4 नंबर वाला दिखा हुआ है। ये चारों पॉइंट मैंने क्यों बताया कि ये हमारे अलग पार्टिकुलर अलग अलग कंपाउंड हैं, ठीक। अलग अलग हमारे एक तरीके से क्या, कोई रेक्टेंगुलर बनेगा, कोई हमारा ट्रायंगुलर शेप पे बनेगा, वो बना हम बाद में लेंगे, हमें बनाना बाद में आ जाएगा। हमें सबसे पहले ये पहचानना सीखना है कि हमें साइड व्यू से क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू से क्या दिख रहा है, ठीक, या टॉप व्यू से क्या दिख रहा है। तो हमने जब इसको टॉप व्यू से देखा तो हमें 1 नंबर वाला पार्ट दिखा, 2 नंबर वाला दिखा, 3 नंबर वाला दिखा, 4 नंबर वाला दिखा। वहीं पे जब हम इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे, जब हम इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो जरा अब बताइए कि फ्रंट व्यू से देखने पे हमें क्या क्या दिखेगा। जब हम लोग इसे इस डायरेक्शन से देख रहे थे, ये हमारी कौन सी साइड है, ये हमारी फ्रंट व्यू है, ठीक है, फ्रंट है, ये साइड है, और ये क्या ऊपर से हमारा टॉप व्यू है, ओके। ऊपर से हमारा क्या, टॉप व्यू। जब हम लोग इसे फ्रंट से देख रहे थे तो हमें क्या दिखा हुआ था, फ्रंट से देखने पे एक तो हमारा यहाँ पे जो फ्रंट से देखने पे हमें क्या क्या दिखा हुआ था, तो फ्रंट से देखने पे देखो कि फ्रंट से देखने पे हमें ये वाला पार्ट दिखा हुआ था, ठीक। इसके बाद हमें ये वाला पार्ट दिखा हुआ था, ठीक, ओके। इसके बाद हमें ये वाला पार्ट दिखा हुआ था, ओके। जब हमने इसको फ्रंट से देखा हुआ था तो हमारा ये वाला पार्ट दिखा हुआ था। जब टॉप से देखा हुआ है तो टॉप से कौन कौन सा पार्ट दिखेगा, मैं दोबारा से यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूँ। टॉप से हमारा ये पार्ट दिखेगा, ठीक, टॉप से हमारा ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, टॉप से हमारा ये वाला पार्ट भी दिखेगा, ठीक, और ये वाला पार्ट दिखेगा। इसको मैंने मार्किंग की थी 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ओके। वहीं पे जब हम लोग इसको फ्रंट से देख रहे थे तो फ्रंट से देखने पे हमारा क्या देखा था, इसको कर लो 5, ठीक, इसको कर लो 6, इस साइड वाले कर लो 7, ओके। अब यदि इसी को हम लोग साइड से देख रहे हैं तो साइड से देखने पे हमें क्या क्या दिखेगा, तो साइड से एक बार से फिर देख लो, साइड से देखने पे हमें ये डायमेंशन दिखेगी, ये दिख जाएगा, प्लस इसके साथ साथ हमें ये वाला पार्ट भी दिख जाएगा, ठीक। 6 तक हो गया था, ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। अब इनको अलग अलग लिख लो कि टॉप से हमें क्या दिख रहा है, टॉप से देखने पे हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हमें टॉप से देखने पे दिख रहे हैं, ओके। जब इसी डायग्राम को हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो फ्रंट से देखने पे हमें क्या दिख रहा है, फ्रंट से देखने पे 5 6 7 और 2, 5 6 7 एंड 2, ठीक। ये 4 पार्ट हमें फ्रंट से देखने पे भी दिख रहे हैं, ओके। अब जरा साइड व्यू पे आ जाओ कि सर साइड व्यू से हमें क्या क्या दिख रहा है। जब आपने ये इस साइड से देखा था, साइड व्यू से ये हमारा क्या था, फ्रंट व्यू था, और ये ऊपर से हमारा टॉप व्यू था, ओके। तो जब आपने इसको यहां से देखा हुआ था तो हमारा कैसा दिखा हुआ था, ठीक। तो जब साइड व्यू से देखो, साइड व्यू से हमें क्या क्या दिखा था, एक तो 7 नंबर वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, 7 के साथ साथ हमें 8 नंबर का पार्ट दिखेगा, यानी यहाँ पे कर दो
एंड एट, ठीक। तो दो पार्ट हमारे साइड से दिख रहे हैं, चार पार्ट हमारे किसमें दिख रहे हैं, फ्रंट पे दिख रहे हैं, ओके, और चार पार्ट हमारे टॉप व्यू से देखने पे दिख रहे हैं, ओके। इस प्रकार से ये पार्ट हमें दिख रहे हैं। अब सबसे पहले आप लोग पहचानना सीखिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो इस पेज का यहाँ पे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि सर ने किस प्रकार से बताया हुआ था। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन हो उनको आप पहचानिएगा, फिर हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसे अब देखो, जब हम लोग इसे टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से देखने पे हमें क्या क्या दिख रहा है, वन नंबर वाला पार्ट दिख रहा है, टू नंबर का दिख रहा है, थ्री का दिख रहा है, फोर को दिख रहा है, ठीक। टॉप से देखने पे हमें कौन कौन से पार्ट, हमें यहाँ पे इमेजिन करना है, हमें इमेजिन करना है। जब हम लोग इमेजिन किए तो यहाँ पे देखा कि टॉप से देखने पे हमें वन दिख रहा है, टू दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, फोर दिख रहा है। वहीं पे जब हमने इसे फ्रंट से देखा, ये मीन्स इस डायरेक्शन से देखा, तो फ्रंट से देखने पे हमें क्या दिखा, फाइव दिखा, टू दिखा, सिक्स दिखा, सेवन दिखा, फाइव दिखा, टू दिखा, सिक्स दिखा, सेवन दिखा। देखो जिसको मैंने ब्लैक कलर से हैचिंग कर रखा हुआ है, वो वाला पार्ट हमारा कौन सा है, फ्रंट व्यू का है, ठीक। अब यदि हम उसी को साइड व्यू से देख रहे हैं, तो साइड व्यू से देखो हमें क्या क्या दिखेगा, एक तो सेवन नंबर वाला पार्ट दिखेगा और दूसरा एट नंबर वाला पार्ट दिखेगा, सेवन नंबर वाला पार्ट दिखेगा और एट नंबर वाला पार्ट दिखेगा, ओके। अब बनाएंगे कैसे, तो बनाने की प्रोसेस सीख लो, ठीक। बनाने की प्रोसेस यहाँ पे देखो कि हम लोग कैसे बनाएंगे। डायग्राम हमारा ये वाला था, ओके। उस डायग्राम को यदि हम, जब हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है, मार्किंग में क्या किया हुआ है, टॉप व्यू पे हमें क्या दिख रहा है, वन टू थ्री फोर, टॉप व्यू पे वन टू थ्री फोर, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे इरेज कर रहा हूं और इरेज करके यहीं पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। देखो जब हम लोग इसे टॉप व्यू से देखेंगे, तो टॉप व्यू से हमारा क्या क्या दिखेगा, टॉप व्यू से हमारा ये वाला पार्ट दिख रहा था, ओके, और ये वाला पार्ट दिख रहा था, ये पार्ट दिख रहा था, ये पार्ट दिख रहा था, यही चारों पार्ट तो दिख रहे हैं टॉप व्यू से देखने पे। टॉप व्यू से देखने पे हमें ये चारों पार्ट वहां पे शो हो रहे हैं। तो जब चारों पार्ट हमें शो हो रहे हैं, तो जरा इनकी डायमेंशन देख लो, कितनी कितनी डायमेंशन दे रखी है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, ठीक, चारों पार्ट दिख रहे हैं। तो जो पहला वाला पार्ट है इसको नंबरिंग कर लो वन टू, ठीक, इसको कर लो थ्री और इसको कर लो फोर। तो जब हमने इसे ऊपर से देखना स्टार्ट किया, ठीक, तो डायग्राम हमारा क्या, एक सबसे पहले वन नंबर पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, वन नंबर पे एक रेक्टेंगुलर इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है, कितनी डायमेंशन है, ये हमारी 40 दे रखी है, ठीक, और ये हमारा कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। हमने ये बना दिया, ठीक है सर, आपने ये बना दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो थ्री और फोर वाला पार्ट दिखेगा, तो इसकी डायमेंशन ये दे रखी है, इसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है, यानी टोटल जो चौड़ाई दे रखी है, टोटल चौड़ाई कितनी, 55 है। कहां से 55, इधर से 55 है, टोटल 55 हमारी यहां से है। इसके बाद हमें इस बॉक्स को यहां से ऐसे बंद कर देंगे, ठीक। यहां से बंद करने के बाद देखो, एक वन नंबर वाला पार्ट हमारा ये वाला हो गया, ये वन नंबर वाला पार्ट मैंने बनाया हुआ था, ठीक, ये डायमेंशन उसने बता दी है 55, तो यानी ये डायमेंशन टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 55, ये 55 हो गई। जब 55 टोटल हमारी ये हो गई, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि बीच में हमें टू नंबर वाला जो पार्ट दिख रहा है, वो टू नंबर वाला पार्ट हमें बनाना है, देखो ये डायमेंशन ये 40 है, ये भी 40 है, मतलब यदि ऊपर 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा, ठीक, ऊपर 40 तो नीचे भी हमारा 40 हो गया। हमें जो टू नंबर वाला पार्ट बनाना है, तो टू नंबर वाला पार्ट कैसे बनाएंगे, उस चीज के लिए देखो, जैसे यहाँ पे 40 दे रखा हुआ है, ठीक, 40 दे रखा हुआ है, मतलब बेटा माइक ऑफ रखो, ये डायमेंशन,
ये डायमेंशन यहाँ पे 40 दे रखा हुआ है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ निकाल लेंगे। जो 40 का हाफ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 से यहाँ पे डॉटेड मार्क कर देंगे, कर दिए डॉटेड मार्क। डॉटेड मार्क करने के बाद अब इसकी विड्थ देख रहे हो, इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। जब इसकी चौड़ाई 10 दे रखी है तो सेंटर से कितना होगा, सेंटर से 5 लेफ्ट होगा और 5 राइट होगा। मतलब ये ऐसे 5 इधर से, 5 इधर से, ठीक। अब इसको उठा के ये बंद कर दो। तो देखो कौन कौन से पार्ट हमारे बन गए, एक तो 1 नंबर वाला मैंने पहले ही मार्क कर दिया हुआ था, 1 नंबर के बाद अब ये हमारा 2 नंबर वाला पार्ट बन गया, ठीक। 2 नंबर की डायमेंशन जरा एक बार देख लो, सिर्फ उसकी चौड़ाई दे रखी हुई है, 2 नंबर वाले की चौड़ाई दे रखी है। ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ये हमने 10 बना दिया। बाकी जो आपके पार्ट बच रहा है, ये आपका 3 का पार्ट हो गया, ये आपका 4 का पार्ट हो गया। इस प्रकार से हम लोग टॉप व्यू का प्रोजेक्शन बना लेंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना है, अलग अलग उनके कंपोनेंट्स देखने हैं कि ऊपर से देखने पे हमें क्या क्या दिख रहा था। तो ऊपर से देखने पे हमें 1 नंबर का पार्ट दिख रहा था, तो हमने 1 नंबर वाला ये बना दिया। देखो ऊपर से देखने पे हमें ये देखा था, इसके बाद 2 नंबर वाला देखा था तो 2 नंबर वाला हमने ये बना दिया, ओके। इसके बाद हमें 3 वाला देखा हुआ था, 3 वाला हमारा ऑटोमेटिक आ गया। 3 और 4 का डायग्राम हमारा ऑटोमेटिक आ गया। अब यदि इसी डायग्राम को हम लोग साइड से देखें, ध्यान देना, यदि इसी डायग्राम को हम लोग साइड से देखें तो साइड से देखने पे हमें क्या दिखेगा, साइड से देखने पे एक तो हमें ये चीज दिख रहा था, साइड से देखने पे एक हमें ये दिख रहा था प्लस दूसरा हमें ये दिख रहा था, ठीक। तो ये वाला पार्ट कैसे बना हुआ, इनकी चलो मार्किंग कर दो यहाँ पे, इसे 5 नंबर कर लो और इस वाले को 6 नंबर कर लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर वाला पार्ट बनाएंगे। जब 5 नंबर वाला पार्ट बनाओगे तो 5 नंबर वाला पार्ट कैसे बनेगा देख लो। 5 नंबर वाले पार्ट के लिए कितनी कितनी डायमेंशन दे रखी है, एक एल शेप में बना हुआ है, यानी एल शेप ऐसे बना दो, ठीक। कितनी इसकी चौड़ाई है, यानी 10 ये दे रखी है, 10 इधर दे रखी है, इसको पूरा ले आओ नीचे तक, ठीक। देखो ये 5 नंबर वाला पार्ट बन गया। देखो यहाँ पे मैंने 5 नंबर वाला पार्ट बना दिया और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 55। हमें सिर्फ मैंने जो आपको पहचानना बताया हुआ था, पहचान के हमें पार्टिकुलर ऐसे ऐसे पार्ट्स बना देने हैं। जब हम लोग पार्ट बना देंगे तो उनको ज्वाइंट करना हमें आ जाएगा, ठीक। और ये भी हमारा 55 दे रखा हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक, 55 55 हो गया। अब हमें क्या दिखा, हमने 5 नंबर का पार्ट तो बना दिया, ये हमारा 5 नंबर का पार्ट हो गया। अब हमें 6 नंबर वाला पार्ट भी दिख रहा है। अब जरा थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि जो हमारा ये 6 नंबर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कहाँ पे है, ये पार्ट यदि वहां रखा हुआ है और हम डायग्राम को इधर से देख रहे हैं, यदि यदि हम इसको डायग्राम को इधर से देख रहे हैं, ठीक, ये वाला पार्ट इधर रखा हुआ, बट ये पार्ट हमें कहां से दिखेगा, ये पार्ट हमें जस्ट यहीं से दिख जाएगा, ये पार्ट हमें जस्ट इसके कॉर्नर से दिख जाएगा। और क्या है, कॉर्नर से देखने पे हमें सिर्फ ये लाइन अकेले इमेजिन करनी होगी, ये सिर्फ लाइन अकेले दिखेगी, मतलब इस लाइन को यहां से लेकर ऐसे मिला दो, यहां से लेकर, ठीक, ऐसे मिला दोगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये 6 नंबर वाला पार्ट हो गया, ठीक। देखो यहाँ पे जब हम इसको देख रहे हैं तो एक हमें 5 नंबर वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा 5 नंबर वाला हो गया था, ठीक। इसके बाद जो 6 वाला है, 6 वाला रखा जरूर इतना अंदर है, मतलब इतना यहां से तुम्हें गैप दिख रहा है, ये गैप हमें दिख रहा है, बट हम जब इस डायग्राम को सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पे हमें क्या दिखेगा कि जो ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल शेप जस्ट इसके कॉर्नर पे आ जाएगा, ट्राइंगल शेप हमारा कहाँ पे आ जाएगा, जस्ट कॉर्नर पे आ जाएगा। तो ये वाला डायग्राम हमारा ऐसा दिख जाएगा, तो ये हमारा 6 नंबर का हो गया, ये 5 नंबर का हो गया, ये हमारे अलग अलग, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक। अब जरा इसी चीज को जरा फ्रंट से देख के बना लो, तो फ्रंट से देखने पे हमें क्या दिखेगा, जब हम लोग इसी डायग्राम को फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने पे ध्यान देना यहाँ पे कि हमें क्या क्या दिखने वाला है, फ्रंट से देखने पे हमें क्या क्या दिखने वाला है वो चीज यहाँ पे देख लो। जब हमने इसे फ्रंट से देखा, ठीक, फ्रंट वाली साइड हमारी ये है,
जब हमने इस साइड से देखा हुआ था तो हमारा सिक्स नंबर तक हो गया, तो हमें ये पार्ट दिखेगा। ओके, इसको हमने सेवन नंबर कर लिया। इसके बाद हमारा ये टू नंबर वाला पार्ट भी दिख रहा है, यानी ये वाला पार्ट दिख रहा है। ओके, इसके बाद हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है, यानी सेवन टू और इनको अलग से मार्क कर दो, एट और ये नाइन, ये पार्ट दिख जाएंगे। अब जरा ध्यान देना, इनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये चौड़ाई कितनी दे रखी है तो डायग्राम में, तो ये चौड़ाई देखो यहाँ पे ये दे रखी है 40। 40 की आप लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक, हम लोग 40 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 40 की लाइन हो गई। इसके बाद देखो ये हमारा एक बॉक्स टाइप, जैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसी प्रकार से बना हुआ है। कितने का बना हुआ है, 40 इसकी विड्थ थी, लेकिन जो उसकी ऊंचाई है, हाइट है, वो 10 है, ठीक। तो उतनी हाइट का एक पहले बॉक्स बना दो। हमें पार्टिकुलर जो जो पार्ट हम ले रहे हैं, ये हमारा कौन सा पार्ट बन गया, ये हमारा सेवन नंबर वाला पार्ट बन गया। ये हमारा पार्ट कौन सा बन गया, ये सेवन नंबर वाला पार्ट बन गया। जब ये हमारा सेवन नंबर वाला पार्ट बन गया, अब इसके बाद देखो, अब हमें क्या देखेगा, इसकी हमें हाइट देखनी होगी। इसकी हाइट हमें यहां से मिल रही है, ये हाइट कितनी दे रखी है, 55, यानी टोटल 55 है, यानी टोटल हमने 55 ये कर दी, ठीक। जब हमने टोटल 55 ये कर दी, अब हमें क्या दिख रहा है, सेवन नंबर वाला पार्ट हमने बना दिया। अब सेवन के साथ साथ हमें क्या दिख रहा है, टू नंबर वाला पार्ट दिख रहा है। टू नंबर वाला पार्ट कहाँ दिख रहा है, उसके जस्ट मिड से 5 left 5 right, तो इसका मिड हमारा ये, ठीक, 40 का मिड हमारा 20 20 हो गया, तो इसके 5 left कर दो और 5 हमारा राइट कर दो, 5 left और 5 right पे हमने ये बना दिया। अब ये हमारा जो डायग्राम दिख गया, तो देखो ये हमारा टू नंबर का पार्ट हो गया, ठीक। बाकी जो ये पार्ट था, एक हमारा ये वाला पार्ट था, ठीक, और एक हमारा ये वाला पार्ट था, यानी ये पार्ट हमारा 8 नंबर का हो गया और ये पार्ट हमारा 9 नंबर का हो गया। ये देखो, तो हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे और इमेजिन करके डायग्राम को बनाएंगे, ठीक। तो यदि आप लोग उसे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारे क्या जाता है, बहुत आसान हो जाता है डायग्राम को बनाना। दोबारा से एक बार फिर समझ लो कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, जब हमने इसे फ्रंट व्यू से देखा। मैं एरो लगा रहा हूं बार बार, करीब 3 to 4 times आपको बता चुका, ठीक। जब हम लोग इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो फ्रंट व्यू से हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, इसके साथ साथ हमें ये वाला पार्ट भी दिखेगा और ये बैक साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इतना पार्ट हमारा कहां से दिखेगा, फ्रंट व्यू से दिखेगा, जब हम डायग्राम को फ्रंट से देखेंगे। उसी प्रकार से यदि हम लोग डायग्राम को फ्रंट की जगह साइड से देखें, मींस इस साइड से देखें, ठीक, इधर से देखेंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, और इसके साथ हमें ये वाला पार्ट भी दिख जाएगा। एल के बीच की दूरी कौन सी ली थी बेटा, जैसे ही हमारी टोटल 40 दे रखी है, ठीक, टोटल 40 दे रखी है, हमने क्या किया, 40 की लाइन खींची, 40 की लाइन का इसको हाफ कर लिया, सेंटर कर लिया, यानी 20 हो गई, ठीक, 20 इधर और 20 इधर, और इसकी जो विड्थ दे रखी है, ये दे रखी है 10, तो 10 का मतलब है कि सेंटर से 5 इधर कर दो और 5 इधर कर दो, बन गया हमारा वो, ठीक। तो साइड से देखने पे हमें क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। अब जरा इसी डायग्राम को जब हम लोग टॉप से देखेंगे, तो टॉप से देखने पे हमें क्या दिखेगा, तो देख लो यहाँ पे कि जब हम लोग इसको टॉप से देखेंगे, तो हमें एक तो ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, फिर ये वाला पार्ट भी दिखेगा, मतलब ये पार्ट हमारा क्या है, दोनों में कंबाइंड है, कॉम्बो है, ये हमारा फ्रंट से भी दिख रहा है और ये वाला पार्ट हमारा टॉप से भी दिख रहा है, प्लस इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट भी दिखेगा और ये वाला पार्ट दिखेगा। इतने पार्ट मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से आपके लिए अलग अलग यहाँ पे हैचिंग कर दी है, कि जिससे आप लोग समझ जाएं
यहाँ से हमारा टॉप व्यू दिख रहा है, ठीक यहाँ से हमारा फ्रंट दिख रहा है, जो रेड कलर से है वो फ्रंट है, जो ब्लैक कलर से है वो साइड व्यू है, जो ग्रीन कलर से है वो टॉप व्यू है। इतने इतने पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिर मैंने आपको बताना कैसे बनाया जाता है वो चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब उसका मैं एक यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखा दूँ कि कैसे हमारा बनेगा। मैंने इनके कंपोनेंट अलग अलग ब्रेक करके बता दिए कि जब हम साइड व्यू बना रहे थे तो साइड व्यू से हमारा क्या दिख रहा था कि इनकी यदि हम लोग अलग अलग मार्किंग कर लें, इसको कर लेते हैं 1 नंबर और इसको कर लेते हैं 2 नंबर, तो जब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे तो साइड व्यू में सबसे पहले हमें 1 नंबर दिखेगा, तो 1 नंबर का पार्ट हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक। इसके बाद 2 नंबर दिखेगा, तो 2 नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको यहां से ऐड कर देंगे, यहां से जी, ये हमारा बन गया साइड व्यू। साइड व्यू बन के हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। यदि हम लोग इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में क्या देखेगा, फ्रंट व्यू रेड वाला पार्ट देखो, तो रेड वाले पे सबसे नीचे 40x10 का एक बॉक्स दिख रहा है, तो 40x10 का हमने एक बॉक्स बनाया, ये हमारा 40 है, ठीक, और ये हमारा 10 है। इसके बाद हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, किस एल के बीच की बात कर, दूरी की बात कर रहे हो बेटा? ये डायमेंशन आपको दे रखी है 55, ये दे रखी है 55, आपको ये दे रखी है, ठीक। और इसके बाद में इसकी जो मोटाई है 10 दे रखी है, ये मोटाई आपको 10 दे रखी है, इधर भी मोटाई आपको 10 दे रखी है, इसकी भी आपको 10 दे रखी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है ये कितना है, हमें उस शेप से वहां पे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना दे रखा हुआ है, ठीक। तो जब आप देखो यहाँ पे कि जब हम लोग इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू पे सबसे पहले हमें देखेगा ये 40x10 वाला पार्ट, जो 40x10 का ये रेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको देखेगा, तो 40 ये हो गया, इसके बाद ही आपका 10 ये हो गया, ओके। फिर 40x10 के बाद जो यहाँ पे देखो, ये मैंने बीच में यहाँ पे अलग से हेजिंग कर दी एक्स्ट्रा, हमें ये वाला पार्ट दिखेगा, प्लस इसके साथ साथ हमें टोटल हाइट भी चाहिए, तो टोटल हाइट हमें क्वेश्चन में मालूम है कितनी दे रखी है, तो डायग्राम में देखो यहाँ पे हमारा मेंशन है कि टोटल हमारा कितना दे रखा हुआ है, 55 दे रखा हुआ है। जब 55 दे रखा, तो यहाँ से 55 पूरा ये बढ़ा दो और ये पूरा बॉक्स कंप्लीट कर लो, 55 ये हो गया। अब हमें सिर्फ ये वाला पार्ट बनाना है, जो बीच में हमारा ये वाला पार्ट है, एक हमें सिर्फ ये वाला पार्ट बनाना है। इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर पे दे रखा हुआ है, तो सेंटर से यहां से पहले सेंटर लाइन खींचो, तो सेंटर लाइन हमारी 20 पे हो जाएगी। अब इसकी जो विड्थ है वो 10 दे रखी है, ऑल डायमेंशन इन एमएम है, सभी डायमेंशन इसमें एमएम में दे रखी है, 10 mm दे रखा हुआ है, यानी 5 mm लेफ्ट और 5 mm राइट, ठीक, 5 mm लेफ्ट और 5 mm राइट पे ऐसे एक डायग्राम बना दो, ठीक। ये हमारा जो बन गया, अब ये जो डायग्राम बना, ये हमारा, ये हमारा फ्रंट व्यू का डायग्राम बन गया, ठीक। ये डायग्राम हमारा साइड व्यू का था और ये डायग्राम हमारा किसका हो गया, फ्रंट व्यू का हो गया। अब जरा इसी प्रकार से एक बार टॉप व्यू को देख लो कि टॉप व्यू से देखने पे हमें क्या क्या चीज दिखेगा, टॉप व्यू से देखने पे हमें क्या क्या चीज दिखेगा, तो वो चीज देखो यहाँ पे। जब हम इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से क्या दिखेगा, टॉप व्यू से सबसे पहले हमें ये ऊपर टॉप वाला पार्ट दिखेगा, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट। टॉप व्यू से देखने पे सबसे पहले हमें ये पार्ट दिखेगा, फिर ये पार्ट दिखेगा, ठीक। हमें ये वाले पार्ट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये विजुअल हो रहे हैं, टॉप व्यू से देखने पे हमारे ये सारे पार्ट हमें यहाँ पे विजुअल हो रहे हैं, ठीक। कौन कौन से हैं देखो, एक तो सबसे पहले हमारा 14x2, ये हमारा 40 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो गया, ओके। वो 40 हो गया, वो हमारा 10 हो गया, तो 14x10 का पार्ट दिख गया। इसी प्रकार से अब जो हमारा ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारी इतनी चौड़ाई पे है, ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 55 दे रखी है, तो 10 हमारा और दे रखा है, तो 10 के बाद 45 और बढ़ा दो, यानी इधर से हम सिर्फ 45 बढ़ाएंगे,
और जो टोटल होगा वो टोटल हमारा 55 होगा, ठीक। तो इस बॉक्स को पूरा कर लो, ये बॉक्स हमारा पूरा हो गया। इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को यहाँ पे बीच में अलग से और बना दो, ये बन गया हमारा, ठीक। ये हमारा टॉप व्यू पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे यदि हम लोग इसे 1 नंबर मार्क करें, इसको 2 नंबर करें, और इसको 3 करें, और इसको 4 करें, तो यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, ठीक, ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया। जो जो पार्ट्स उसमें दिख रहे थे वो सेम वही पार्ट्स हमें यहाँ पे बना देने हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग पहचानना सीखिए कि इसमें हमारा कौन सा पार्ट क्या है। अब जैसे इसका जब हम लोग बनाएंगे, देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ सेम डायग्राम आपको वही दिख रहे हैं जब मैंने इसको टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू देखिए आपको कैसा दिख रहा है, टॉप व्यू में देखो यहाँ पे डायग्राम आपको कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक। और साथ में ये वाला पार्ट भी है, देखो यहाँ पे ये हमारा बना हुआ है, ये HP अपॉन VP। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे, XY रेफरेंस लाइन है, XY के यदि ऊपर HP है और नीचे VP है, XY के यदि ऊपर HP और नीचे हमारा क्या हो रहा है VP है, तो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ओके। जहां पे हमारा HP अपॉन VP के फॉर्म में होता है वो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होता है, थर्ड एंगल होता है। मैंने आपको बताया हुआ था कि HP में हमारा क्या बनेगा, प्लान बनेगा, HP में प्लान बनेगा। तो HP में देखो प्लान, प्लान को ही हम लोग टॉप व्यू बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, HP में ऊपर प्लान है, ठीक, HP में ऊपर हमारा प्लान है, ये ऊपर टॉप व्यू है, नीचे क्या है, नीचे VP है, ठीक। VP मीन्स एलिवेशन, और जहां पे जिस साइड पे हमारा एलिवेशन होता है, एलिवेशन के जिधर एरो लगा होता है, देखो जैसे इस डायग्राम में एरो इधर से लगा हुआ है, इस डायग्राम पे साइड के लिए जो हमारे एरो लगे हुए हैं, साइड के लिए एरो इधर से लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे जो साइड व्यू बनाएंगे, साइड व्यू देखो डायग्राम में इसी साइड बना हुआ है, ठीक। यदि उसमें एरो हमारा इधर से लगा हुआ होता तो ये साइड व्यू वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम इस साइड बना होता, समझ गए। साइड व्यू का डायग्राम हम लोग कब कैसे चेंज कर देंगे, जब हमारा एरो यहाँ पे देखो इस साइड से लगा हुआ है साइड व्यू का, तो हमने क्या किया कि साइड व्यू अपना इस साइड बना दिया। वहीं पे यदि डायग्राम हमारा कुछ इस प्रकार से होता कि उधर से उल्टा होता, मीन साइड व्यू हमारा यहाँ से होता, जब साइड व्यू हमारा यहाँ से होता तो साइड व्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसमें इधर बना देते, ये साइड व्यू का डायग्राम हमारा इस साइड बन जाता, ये डायग्राम यहाँ से हटके इधर आके बन जाता, ठीक। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डायग्राम बनाया गया है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक, तो यहां पे देखो टॉप व्यू पे, टॉप व्यू प्लान। अब मैंने आपको प्लान में बताया हुआ था क्या क्या हमारा दिख रहा था, या मैंने आपको यहाँ पे प्लान में बताया हुआ है कि हमारा क्या क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पे टॉप व्यू पे एक आपको ये 1 नंबर पार्ट दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, ठीक, 3 नंबर दिख रहा है, और ये 4 नंबर दिख रहा है, ओके। इनके जब हमने डायग्राम बनाए थे, तो 1 नंबर वाले डायग्राम, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर के, इनके डायग्राम कैसे बनाए हुए थे हम लोगों ने। 1 नंबर के लिए सबसे पहले एक हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लो, ओके। इसके बाद क्या है, इसकी हमें ये हाइट ये चाहिए, विड्थ कितनी है, ये विड्थ हमारी 55 दे रखी है, यानी यहां से पूरा ये 55 हमारा ये दे रखा हुआ है, ओके। ये हमारा पूरा 55 दे रखा हुआ है, इनको उठा के ऐड कर दो, ऐड कर दिया। बीच में हमारा 2 नंबर वाला पार्ट देखो, तो 2 नंबर वाले पार्ट पे यहाँ पे हमारा सबसे पहले सेंटर लाइन खींच लो, खींच लिया, सेंटर लाइन के 5 लेफ्ट जाओ, 5 राइट जाओ, तो हमारा ये टी शेप में पूरा बन गया, यहाँ पे देखो आपको ये सभी पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये हमारा 1 नंबर का हो गया, ठीक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, हो गया। जरा सेम आप इस पे नजर डालो, ये भी आपको कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, तो ये इसको हमने 1 नंबर माना हुआ है, इसको हमने 2 नंबर माना हुआ है, ठीक, इसको हमने 3 नंबर माना हुआ है,
और इसको हमने फोर नंबर माना हुआ है। ठीक, सेम वही डायग्राम आपका बन के आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो ऐसे इसे अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेना है, अलग अलग पार्ट में। जब हमने ब्रेक कर लिया तो अब हमारा इतना काम हो गया। अब ब्रेक करने के बाद क्या होगा, हमने ये डायग्राम बना लिया, इनकी डायमेंशन कितनी है, तो ये डायमेंशन हमारी 40 है, ठीक, ये हमारी 10 है, ओके। टोटल ओवरऑल हमारा दे रखा है 55, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा 55 दे रखा हुआ ओवरऑल, इधर से 55, ध्यान देना। और यदि हम सिर्फ यहां से बात करेंगे, मीन्स इतनी बात करेंगे, तो इतनी हमारी कितनी होगी, 45 हो जाएगी, ठीक। जो कि ये आपके डायग्राम में सभी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन भी कर दी हैं उसने, तो आपको सेम ऐसे में यहां से आपके क्या बन गया, सबसे पहले आपका टॉप व्यू बन गया। हमें टॉप व्यू बना लिया। टॉप व्यू बनाने के बाद हमारा काम क्या होता है, जितनी भी लाइनें आ रही हैं, कौन कौन सी लाइनें, यहाँ पे देखो, तो ऊपर से जो लाइनें आ रही हैं उनके सबके प्रोजेक्शन नीचे डालने होते हैं। प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, जितनी लाइन आ रही उन सभी लाइन को यहां से ऐसे नीचे ले आओ, ये सब नीचे ले आओ, ठीक। जितनी लाइन आ रही थी, कौन कौन सी लाइन आ रही है, एक तो क्वार्टर वाले आ रही है उसको नीचे ले आए, एक ये वाली लाइन आ रही है उसको भी नीचे ले आओ, इसको भी नीचे ले आओ, इसको भी नीचे ले आओ, डॉटेड वाली को भी नीचे ले आओ, ठीक। ये हमें बिल्कुल लाइट लाइन लेके आनी, ऐसा इस डायग्राम पे देखो। इस डायग्राम पे हमने क्या देखा, ये हमारा यहाँ पे जो जो भी लाइन थी, ठीक, जो जो लाइन है देखो, एक ये लाइन आ रही थी, तो इस लाइन को हम नीचे लेके आए हैं, ये लेके आ गए, इस लाइन को भी नीचे लेके आए हैं, ठीक, इधर ये है, इसी ये है, ठीक। इसने सेंटर लाइन छोड़ दी है, बट सेंटर लाइन हम लोग लेके आएंगे, ओके जी। हमें क्या करना है, एक डायग्राम जस्ट उसी के नीचे बनाना है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे डायग्राम क्या बना हुआ है, जस्ट नीचे बना हुआ है। पहले हमारा टॉप व्यू बना हुआ है, टॉप के जस्ट नीचे ही हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ है, टॉप के जस्ट नीचे ही हमारा फ्रंट व्यू बना हुआ है। फ्रंट व्यू हमें क्या क्या दिख रहा था, फ्रंट व्यू में यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है, तो फ्रंट व्यू देखो हमारा क्या क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू में एक तो हमारा ये दिख रहा है, ठीक, ये वाला पार्ट देखो, मैं जिसको हाइचिंग कर रहा हूँ, ये पार्ट हमारा दिख रहा है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में हमारा ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक, फ्रंट व्यू में हमारा ये वाला पार्ट दिख रहा है और ये वाला पार्ट दिख रहा है। अब जरा इसको बनाओ, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे नीचे ये वाली लाइन डाली हुई है, ठीक, ये जो प्रोजेक्शन डाले हुए हैं, इन्हीं प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से बनाने, इससे हमारा क्या होगा कि देखो, जब हमने एक बार यहाँ पे विड्थ ले ली है, ये विड्थ कितनी थी 40, तो हमें बार बार ये चीज मापनी नहीं पड़ेगी, ये भी 40 ही आ रही है, ठीक, तो हमें मापनी नहीं पड़ेगी। हमने सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्शन डाल देंगे एमडी की हेल्प से, एमडी की हेल्प से यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दो, तो हमें ये हो गई, सिर्फ हमें हाइट लेनी होगी। ये गैप आप लोग कुछ भी छोड़ सकते हो, ये गैप आप लोग कुछ भी छोड़ सकते हो। छोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक, तो अब देखो कि यहाँ पे मैं कौन कौन से पार्ट दिख रहा था, एक तो हमारा ये वाला पार्ट है, तो इसको मान लो 5 नंबर, ये वाला पार्ट हमारा 5 हो गया, ठीक, ये वाला पार्ट हमारा 6 हो गया, ये पार्ट हमारा 7 हो गया, और ये पार्ट भी हमें दिख रहा है फ्रंट से देखने पे, यानी 2 नंबर का, ठीक। तो सबसे पहले हमारा देखो 5 नंबर वाला पार्ट, 5 नंबर वाला पार्ट हमारा कैसा है, 40x10 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट, देखो ये 5 नंबर का पार्ट, 5 नंबर का हो गया, ये वाला पार्ट हमारा 2 नंबर का हो गया, ठीक, ये वाला पार्ट हमारा 6 नंबर का हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा 7 नंबर का हो गया, ठीक। और यदि इस डायग्राम पे देखो, तो ये 1 नंबर का पार्ट है, ये 2 नंबर का पार्ट है, ये 3 नंबर का पार्ट है, और ये 4 नंबर का पार्ट है, ठीक। इसी प्रकार से यदि साइड पे आ जाओ, तो जब हम लोग साइड व्यू पे देख रहे थे, तो साइड व्यू में क्या दिख रहा था, ये वाला पार्ट दिख रहा था, ठीक। जब ये पार्ट दिख रहा है, कितने तक हो गया हमारा, 7 तक हो गया, यानी ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा 9 हो गया, ठीक। वही यहाँ पे देखो साइड व्यू में क्या देखेगा, ये 8 वाला पार्ट दिख गया और ये हमारा 9 वाला पार्ट दिख गया। तो एक बार प्रक्षेप ऊपर से नीचे डाल दो, देखो एक बार प्रक्षेप हमने ऊपर से नीचे डाले हुए हैं, तो उसी के जस्ट नीचे ये डायग्राम बन गया। दोबारा जब हमें साइड व्यू बनाना हो, तो इसके प्रक्षेप इधर डाल दो, प्रक्षेप इस डायरेक्शन में डाल दो, तो
हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे साइड व्यू बना लेंगे। जब प्रक्षेप इधर डालेंगे तो हमें इसकी हाइट मिल जाएगी, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि कौन सा वन नंबर का पार्ट है, कौन सा टू का है, कौन सा थ्री फोर फाइव, और सेम इसका भी ले लो जिससे हमें ये पार्ट्स मिल जाए कि सर ने यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स को क्या बताया हुआ था, कि उसके हिसाब से क्या बनाया हुआ है। एक इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जिससे यहाँ से आपको मार्किंग पड़ी हुई है कि किस नंबर वाला कौन सा पार्ट हमारा किसमें आ रहा है, ठीक। और एक यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट, इससे हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि टॉप व्यू हमारा क्या क्या आ रहा है। टॉप व्यू 1 2 3 4 आ रहा है। जब हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू से हमारा क्या दिख रहा है, 5 6 7 और 2 दिख रहा है। और जब साइड व्यू से देख रहे हैं तो साइड व्यू से हमारा क्या दिख रहा है, 8 और 9 हमें शो हो रहा है। ओके, इस प्रकार रखा हुआ है।